नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आप अपने घर में इन चीज़ों को रखते हैं जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित होते हैं? तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को रखने से राहु केतु का वास होता है, जिससे घर की वास्तु खराब हो जाती है और धनहानि होती है और आपके लिए बदकिस्मती लेकर आती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जिन्हें अपने घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। तो है बंद घड़ी। बंद घड़ी को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यदि हो सके तो उसे उतार कर रख दें, फिर जब वो चलने लगे, ठीक हो जाए, तभी उसे घर के दीवार पर लगाएं। घर की छत पर टूटे फूटे कबाड़ नहीं रखने चाहिए, इससे वास्तु खराब होता है और राहु का वास होता है। ऐसे ही टूटा हुआ फर्नीचर वगैरह, चारपाई जैसी चीज़ों को भी नहीं रखनी चाहिए जो उपयोग में ना आ रहा हो, इससे बहुत ही नुकसान होता है। राहु केतु का वास होता है, घर की शांति नष्ट हो जाती है और लक्ष्मी रूठ जाती हैं और बरकत भी रुक जाती है, सिर्फ नुकसान ही होता है इससे। ऐसे ही बेकार की पड़ी चीज़ों को, जो खराब हो गया हो, उसका प्रयोग न हो रहा हो, तो उन्हें घर में कभी ना रखें। घर के कोनों में भी इन्हें इकट्ठा करके ना रखें, इससे लक्ष्मी घर में नहीं टिकती हैं और राहु खराब हो जाता है, इससे बदकिस्मती ही आती है। इसे नज़रअंदाज या हल्के में इन बातों को नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही खराब झाड़ू को बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं, ना ही घर में रखें। जब झाड़ू खराब हो गया हो तो उसे तुरंत हटा दें घर से। ऐसे ही टूटे चप्पल को भी घर में बिल्कुल भी ना रखें, इससे तरक्की में बाधा पहुंचती है तथा गरीबी आती है। टूटे चप्पल को बाहर फेंक दें, घर में बिल्कुल भी ना रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। अतः आप इसे अमल में ज़रूर लाइएगा और इन चीज़ों को इस्तेमाल में कभी भी मत लाइएगा और ना ही अपने घर में रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।